महाराष्ट्र में नासिक जिले में पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई बारिश। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए कई पर्यटक फंसे। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया गया। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए थे पर्यटक, इसी दौरान हुई जबरदस्त बारिश के बाद पहाड़ी पर बहने लगी पानी की तेज धार। जानकारी के बाद मौके पर फॉरेस्ट विभाग पहुंचा। पहाड़ी पर हुई तेज बारिश के बाद रास्ते पर बहने लगा पानी। पानी की तेज धार के बीच फंसे पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक दूसरे का हाथ पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर्यटक। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का अलर्ट। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट, मुंबई ठाणे पालघर रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। शारदा नदी के बहाव में बह गया किनारे बना मंदिर। देखते ही देखते मंदिर पानी में समा गया। दहशत का माहौल है लोगों के बीच। गोरखपुर में उफान पर है राप्ती नदी। खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी का जलस्तर। लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत है। प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर में 47 गांव प्रभावित। गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर तालाब जैसा नजारा। आवाजाही के लिए 91 बोट लगाई गई है। 150 नाव रिजर्व रखी गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही में परेशानी। अब बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर हुए लोग। सिद्धार्थनगर से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले लोग परेशान। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर बोट मिल रही है। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ी। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से कई गांवों में बाढ़। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में डूबने से लोगों की फसलें भी चौपट। कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित इलाके में लोगों के पास खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा है प्रशासन। बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटने के बाद अब प्रशासन ने तैयार किए लंच पैकेज। सीतापुर में तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में घाट हुए जलमग्न। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट पानी में डूबे। राजघाट पर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी पानी में डूबा। बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय परिसर तालाब बना। मनोरमा नदी की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किया गया। बच्चों को घर भेजा गया। यूपी के बहराइच में सरयू नदी ने तांडव मचाया है। नदी किनारे पर बने लोगों के घर पानी में समाए। किनारे पर मिट्टी धंसने की वजह से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। बहराइच में सरयू नदी के किनारे पर लगातार हो रहा है कटाव। किनारे से लगती किसानों की खेती वाली जमीन नदी में समा गई है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बहराइच में सरयू नदी की वजह से 4 तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान। मोतीपुर, नानपारा और कैसरगंज में बाढ़ से बर्बादी का मंजर देखने को मिला। नदी में समाये घरों का बचा खुचा सामान लोग समेट रहे। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे यूपी के कई इलाके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से बाढ़ से बचाव के लिए जो राहत काम किए जा रहे हैं उसका फीडबैक लिया। असम के मोरीगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरीगांव में बाढ़ आ गई। कुछ इलाकों में कम होने लगा है पानी। घरों में पानी भरने से दूसरी जगह शिफ्ट हुए कई परिवार। बाढ़ की मार झेल रहे असम के कई इलाके। कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। जिले के पालम इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। पानी से बीच से गुजरते समय खराब हुए लोगों के वाहन। कुछ ही देर की बारिश से बिगड़े हालात। गुजरात में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। सौराष्ट्र रीजन समेत कई हिस्सों में मुसीबत के बादल बढ़ सकते हैं। लाहौल स्पीति में कुंजुम टॉप के पास वाहन फंस गए। प्रशासन ने 44 पर्यटकों का रेस्क्यू किया। एहतियात के तौर पर रास्ता लिया गया। शाम 4 बजे के बाद स्पीति और नहीं जा पाएंगे स्पीति की ओर सैलानी जमा। नेपाल की बारिश से बिहार के मधेपुरा में आफत। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव डूब गए। कोसी नदी के कटाव की चपेट में आने से कई इलाके डूबने के कगार पर।
बिहार के हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। गंडक नदी पर बने बांध का चार जगह से टूटने का खतरा, निगरानी टीम मुस्तैद कर दी। बाढ़ की मार झेल रहा है दक्षिण पश्चिमी चीन। भारी बारिश के बाद कई जगह पर लैंडस्लाइड, रास्तों पर गिरे पत्थर और मलबे, रोड खोलने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई। दक्षिण पश्चिमी चीन में बाढ़ में डूबे कई शहर हैं, ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। शहरों में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है, रिहायशी इलाके भी पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से दक्षिणी चीन के शहरों में हाल बेहाल है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाला। घरों में पानी भरने से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं लोग। पूर्वी अफगानिस्तान में तूफान के बाद भारी बारिश, कुदरती आपदा में 35 लोगों के मारे जाने की जानकारी। मृतकों में एक ही परिवार के 5 सदस्य भी शामिल, घर की छत गिरने से जान चली। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया, एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद। कश्मीर टाइगर संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी। भारतीय सेना ने पाक सेना पर कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की मदद का आरोप लगाया। कहा आतंकवादियों को कवर फायर दे रही पाक सेना की साजिश को ऑपरेशन धनुष 2 से नाकाम किया। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 विदेशी आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ऑपरेशन धनुष 2 से आतंकियों की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। डीजीपी स्वैन ने कहा क्षेत्रीय दलों के रवैये से नेटवर्क बढ़ा। जम्मू कश्मीर के एडिशनल डीजीपी आनंद जैन ने बताया पुंछ जिले की मंडी तहसील में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य प्रबंधों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार। 3 दिन की रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। मामले में 4 FIR दर्ज। आज विशालगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे कोल्हापुर सांसद साहू छत्रपति महाराज। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग, घटना को बताया पुलिस प्रशासन की नाकाम। कोल्हापुर सांसद के बेटे संभाजी राजे छत्रपति ने कहा कि वो हिंसा और विशालगढ़ किले पर अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते। बोले जानकारी देने पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं। विशालगढ़ किला अतिक्रमण मामले में मोमेडियन एजुकेशन सोसाइटी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर संभाजी राजे को सांप्रदायिक तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। संभाजी राजे की गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। विशालगढ़ किले पर प्रशासन ने कार्रवाई की, अतिक्रमण पर ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मजारों पर उठाए सवाल, कहा देश के अंदर तुष्टिकरण के कारण कई जगहों पर मजारें बनी, ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ा खुलासा। नवले मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बोले एडमिशन के वक्त पूजा को बीमारी नहीं थी, इसी कॉलेज से पूजा ने MBBS की पढ़ाई की। जांच के दायरे में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर बोली जांच पर टिप्पणी नहीं करूंगी, रिपोर्ट सामने आने के बाद सबको पता चल जाएगा। UPSC पास करने के लिए दिव्यांगता पर झूठ बोलने का आरोप है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर मामले में एक्शन में पुलिस है। शिकायत दर्ज होने के बाद गायब है पूजा खेडकर के माता पिता। पुलिस ने पूजा के घर पर छापेमारी। विदेश मंत्री जयशंकर का आज से 2 दिन के लिए मॉरिशस दौरा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर होगी द्विपक्षीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जुलाई को बुलाई सभी दलों की बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने को लेकर चर्चा होगी। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में शामिल होने की इच्छा जताई। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में 3.5 किलो कम हुआ वजन। एबीपी न्यूज के पास केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट। संजय सिंह का आरोप केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, जानबूझकर वजन घटा रहे हैं केजरीवाल। सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड रख रहा है निगरानी। तिहाड़ जेल का दावा, झूठी खबर फैलाई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर मंत्री आतिशी का बीजेपी पर सीधा आरोप। बोली केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है, कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की आदत है। अरविंद केजरीवाल 8 दिन बिना खाए धरने पर बैठे थे, तब वो डायबिटीज के मरीज थे। अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर बीजेपी का भार, कहा केजरीवाल का हो रहा है राजनीतिक पतन, इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह की बातें फैला रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज, आज पाली महेंद्रगढ़ में अमित शाह पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रोहतक में कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले बीजेपी सरकार के विफलताओं को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर बवाल, कहा बरेली में 23 हिंदू लड़के और लड़कियां करेंगे धर्म परिवर्तन, 5 लड़के लड़कियों का एक साथ होगा निकाह, प्रशासन से इजाजत मांगी। हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद भड़के पंडित के शंखधार, बोले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना तौकीर, घर वापसी कराने का पैगाम भेजा। हरिद्वार के मैंगलोर में विधायक काजी निजामुद्दीन की सूझबूझ से चल गया बड़ा बवाल, जुलूस के दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों में भिड़ंत होने वाली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हुआ विश्वासघात, का पीएम मोदी को हमने आशीर्वाद दिया, वो हमारे दुश्मन नहीं। बीजेपी नेता आशीष शेलार बोले शंकराचार्य के बयान पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर उद्धव गुट खुश, आनंद दुबे बोले हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बीजेपी नेता माधवी लता ने तंज कसा, बोली कांग्रेस से मिले हैं उद्धव और कांग्रेस एआईएम से मिली है, ऐसे में शंकराचार्य क्या चाहते हैं। अकाल तख्त ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को तलब किया, बेअदबी और राम रहीम को माफी समेत अन्य मामलों में 15 दिन में स्पष्टीकरण देने का फरमान सुनाया।